सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। सर हम करते हैं शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल के साथ, जहां पे सवाल ये था कि आखिर आप बताइए कि आपका जो पूरा डिजिटल डेटा है भैया, जो भी सब चीज़ है, उसका आखिर साइज कितना है। तो यहाँ पे दोस्तों बोला है आप से मेजोरिटी 65% ने कि सब कुछ मिला के 100 GB के अंदर अंदर ही है। तो यार काफ़ी कम है वैसे, मतलब मेरे पास 512 GB का पहले आईफोन था, वो ऑलमोस्ट भरने वाला था। अभी 1 TB वाला यूज़ कर रहा हूँ, उतना तो केवल फ़ोन में ही है। 4 TB का लैपटॉप है, इसके अंदर भी कुछ 1.5 TB खाली जगह बची है, 2.5 TB यहाँ भर के, बहुत ज़्यादा डेटा है मेरे पास इसका। मतलब ऑनलाइन गूगल में लिया हुआ मैंने 2 TB का प्लान, बहुत ज़्यादा हो गया है। वैसे अभी दोस्तों ऐसे में आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में आपके हिसाब से लिमिट क्या होनी चाहिए फास्ट चार्जिंग की, बैटरी लाइफ और सेफ्टी और सब चीज़ों को ध्यान रखते हो, मतलब क्या वो 18 वॉट हो, 27 हो, 30 हो, 40 हो, 65 हो, जो भी हो बताना। तो दोस्तों क्या आपका जवाब सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए नीचे कॉमेंट करते हुए और हमेशा हर बार की साथ में दबा डालिए वीडियो में सीधा लाइक बटन को। यहां दोस्तों हम बात करते हैं, पहली कहानी निकल के आती है वोडाफोन आइडिया को लेके, जहां भैया इनके पास पैसा है नहीं, तो यहां पर दोस्तों इनके ऊपर जो डेट है उसको अभी इक्विटी में कन्वर्ट करने वाले हैं और गवर्नमेंट जो उसको दोस्तों बनाने वाले हैं लार्जेस्ट शेयर होल्डर। करीब करीब 36% शेयर भैया गवर्नमेंट के पास में आ जाएगा, मतलब 35.8% की जो ओनरशिप होगी वोडाफोन आइडिया की वो होगी भारत सरकार की। ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ निकल के आई है। वैसे यहाँ पर दोस्तों अभी व्हाट्सएप जो है वो एंड्रॉयड के लिए आपको जो वॉइस मैसेज वगैरह हैं उनको बैकग्राउंड में प्ले करने का ऑप्शन दे देगा। तो यार ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा, जहाँ पे मतलब आपने अगर इसका वॉइस नोट वगैरह कुछ प्ले किया है, अगर वो बहुत लंबा है तो आपको उस चैट में रहने की जरूरत नहीं है, आप बैकग्राउंड में उसको प्ले करवा सकते हैं और बाकी अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। वैसे यहाँ पे यार अभी रेसबेरी पाई जो है वो मैलवेयर को डिटेक्ट कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से। आई मीन दोस्तों रिसर्चर्स ने बहुत ही एक तगड़ी चीज़ को डिस्कवर किया है कि मतलब कैसे हम मैलवेयर डिटेक्ट कर सकते हैं। सोचो रेसबेरी पाई जैसे एक बहुत ही सस्ते से यू नो पोर्टेबल कंप्यूटर के साथ में, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चलते सोचो सारा काम हो सकता है। वैसे यहां पर दोस्तों अगली खबर आती है नोकिया के BH205 को लेके, ये दोस्तों है ब्लूटूथ ईयरफोन्स जो की तरफ से 36 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ में इंडिया में लॉन्च कर दिए गए हैं और यहाँ पर दोस्तों कीमत है वो है सिर्फ 2799 रुपये। तो यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। साथ में दोस्तों वायर्ड वाले भी नोकिया लेके आया है WB101, इनकी कीमत है सिर्फ 299 रुपये। अगली खबर है हमारे पास में सीधा माइक्रोसॉफ्ट के सर्फेस प्रो एक्स को लेके, यहाँ पर दोस्तों इसका जो वाईफाई ओनली वाला मॉडल है उसको इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। जो कीमत है शुरू वो होती है 93,999 रुपीज़ से। ये 128, 256 और 512 GB स्टोरेज ऑप्शन साथ में आता है, मतलब यहाँ पे ये यू नो एक इंटरेस्टिंग डिवाइस हो सकता है अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं। वैसे यहाँ पे अगला अपडेट है हमारे पास में सीधा OnePlus 10 Pro को लेके, ये दोस्तों अभी चाइना में लॉन्च हो गया है ऑफिशियली OnePlus की तरफ से, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ में, 48+50+8 MP का रियर कैमरा, 32 MP दोस्तों सेल्फी कैमरा, LTPO डिस्प्ले वगैरह है, 120Hz का AMOLED पैनल वगैरह, मतलब यहाँ पे काफी फोन लगता है। और जो शुरुआती कीमत है वो है 4699 युआन, करीब करीब 55,000 रुपए के आसपास। देखते हैं जब इंडिया में आता तो आखिर किस कीमत पर OnePlus इस फोन को लॉन्च करेगा। वैसे हमारे पास में यहाँ पे अभी Amazon की जो ग्रेट रिपब्लिक डे सेल है उसको अनाउंस कर दिया गया है, तो मतलब आपके लिए कमिंग सून दोस्तों होने वाला है सीन, काफी सारी इंटरेस्टिंग डील्स वगैरह मिल सकती है। देखते हैं Flipkart पे, ऑफ कोर्स देखते क्या होगा ही, इसी के बराबर की एक और टक्कर फ्लिपकार्ट लेके आएगा तो उसके बाद में हमको मिलेंगे सेल सेल सेल, बहुत सारी सेल्स। यहाँ पे अभी अगली कहानी है हमारे पास में मोटोरोला रेजर 3 को लेके, और यहाँ पर दोस्तों ये टीज कर दिया गया है इस बार का जो रेजर 3 है दोस्तों वो आने वाला है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ में, और ये मेरे ख्याल से 2022 के मिड तक आएगा। अगेन चिप शॉर्टेज वगैरह की वजह से शायद थोड़ा बहुत डिले वगैरह भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस बार दोस्तों इसके अंदर ड्यूअल कैमरा 50 MP वगैरह का, साथ में 32 का सेल्फी कैमरा, मतलब थोड़ा सा और इम्प्रूव करके और इम्प्रूव्ड स्पेक्स के साथ में लॉन्च करेगा मोटोरोला अपने नए मोटो रेजर 3 को। हमारे पास में यहाँ पर दोस्तों अभी लुई विटो जो है वो दोस्तों लेके आ गए अपनी टेम्बर होराइजन लाइट अप लग्जरी स्मार्ट वॉच स्नैपड्रैगन वीयर 4100 के साथ में। मेरे पास दोस्तों एलवी की वॉच जो है स्मार्ट वॉच यार बड़ी एक्सपेंसिव होती है, वही अगेन 2.5 लाख के आसपास की। फिलहाल दोस्तों कीमत है वो शुरू होती है $3,300 से, जो कि बन जाती है करीब 243,900 रुपीज़। मतलब मैंने भी जब ली थी, आई थिंक लास्ट ईयर मैंने परचेज़ किया था, लास्ट ईयर तो वो लुई विटो जो स्मार्ट वॉच है वो अगेन कुछ 2.5 लाख के आसपास की थी, पहनी मैंने मुश्किल से 4 बार ही है। लेकिन हाँ,
लग्जरी और टेक का जब कॉम्बिनेशन होता है ना तो मज़ा बहुत ज़्यादा आता है हमारे पास। दोस्तों यहाँ पे अभी रियलमी 9i जो है वो आ गया है स्नैपड्रैगन 680 के साथ में, 50 MP उसने अभी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप वगैरह भी है, और ऐसे में लगता है कि ये शायद बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च हो सकता है, जहाँ पे इसकी वियतनाम में फिलहाल जो प्राइस निकल के आई है वो है करीब करीब 20,000 रुपये। इंडिया में देखते हैं रियलमी क्या करता है रियलमी 9 सीरीज के साथ में। वैसे यहाँ पे अगला अपडेट है हमारे पास में शाओमी और ओप्पो के लेके, जहाँ पे यार ये जो है वो बहुत जल्दी लगता है कि कमर्शलाइज कर सकते हैं 200 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को, मतलब आपका जो फोन है वो एकदम ऐसा चुटकी बजा बजा के बहुत तेजी से आप रिचार्ज कर पाएंगे। लेकिन अगेन यार फिर दिमाग में सवाल आता है सेफ्टी वगैरह को लेके, या फिर नो कैसे बैटरी हेल्थ वगैरह भी जो फर्क पड़ेगा तो वो देखते हैं। लेकिन शायद लगता है 2022 में हमको 200 वॉट्स की चार्जिंग वाले स्मार्टफोन जल्दी ही देखने को मिल जाए हमारे पास में। यहाँ पर दोस्तों अभी वीवो जो है वो हट गया है आईपीएल से, जो दोस्तों स्पॉन्सरशिप था, टाइटल स्पॉन्सरशिप था पूरा, आपने सुना है सब जगह पे वीवो आईपीएल वीवो आईपीएल, वो अभी दोस्तों चेंज हो गया है और टाटा बन गया है अभी नया टाइटल स्पॉन्सर। तो अभी टाटा आईपीएल के नाम से आप चारों तरफ सुनेंगे चीजें। वीवो ने कुछ टाइम तक दोस्तों यहाँ पे काफी लंबे टाइम तक इनफैक्ट जो है वो स्पॉन्सर किया था आईपीएल को, लेकिन अभी ये चीज चेंज हो चुकी है हमारे पास में। अभी एप्पल का जो वीआर हेडसेट है दोस्तों उसमें लीक्स के हिसाब से 96 वॉट्स का जो पावर अडैप्टर दोस्तों होता है अभी 14 इंच के मैकबुक प्रो में वैसा कुछ इस्तेमाल में लिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो एप्पल की सुनो एप्पल सिलिकन की दोस्तों M1 चिप्स वगैरह हैं वो देखने को मिलेंगी। अभी ऐसे में देखते हैं कि जो एप्पल का पूरा ये वीआर हेडसेट होता है ये आखिर किस तरीके से काम करता है और क्या क्या नए नए फीचर्स लेके आता है। जैसे यहाँ पे अभी दोस्तों हमारे पास में 3D प्रिंटेड एक ड्यूअल सेंस अटैचमेंट आ गया है, जहाँ पे मतलब यू नो एक हाथ से आप जो है वो अपना प्ले स्टेशन खेल सकते हैं, बिकॉज आपने एक ही हाथ में सारे अपने कंट्रोल जो है वो कॉन्फिगर कर लिए हैं 3D प्रिंटेड इसी नो कंट्रैप्शन के साथ में। काफी इंटरेस्टिंग चीज लगती है, मैं वैसे अरियान के लिए ले लूंगा तो वो एक हाथ से खाना खाते जाते एक हाथ से प्ले स्टेशन खेल पाएगा। यहाँ पे दोस्तों अभी वैसे लॉस एंजलिस में भैया पुलिस ऑफिसर्स को दोस्तों फायर कर दिया गया, इन्होंने एक रॉबरी को इग्नोर कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज ये पोकीमोन गो खेल रहे थे और पोकीमोन पकड़ रहे थे, तो इनको लगा पोकीमोन को पकड़ना जरूरी है, चोर लुटेरे छोड़ दो क्या फर्क पड़ता है वो तो कभी और पकड़ लेंगे। तो दोस्तों पोकीमोन पकड़ा, उस चक्कर में इनको सीधा का सीधा फायर कर दिया गया, बिकॉज एक रॉबरी को इग्नोर करके ये लोग पोकीमोन गो खेलने में लगे हुए थे। मतलब सोचो क्या क्या काम होता है दुनिया में, वैसे लोग क्या क्रेजी है एकदम। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में अभी पबजी न्यू स्टेट का नया अपडेट आ गया है 0.9.23, और यहाँ पर दोस्तों अभी नए गेम मोड्स हैं, नए वेपन्स वगैरह हैं, सीजन 1 बैटल पास भी अनाउंस हो गया है। तो मतलब अभी के लिए जैसे ही अभी रोल आउट इसका हो जाता है शुरू, तो आप काफ़ी चीज़ें इन्जॉय कर पाएंगे अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को इसी पबजी न्यू स्टेट को खेलते हुए। वैसे यहाँ पर यार अगली खबर आती है हमारे पास में, ट्राई जो है दोस्तों उसको बोला है इंडस्ट्री बॉडी ने कि यार जो 5G स्पेक्ट्रम प्राइसेस हैं वो बहुत 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 ज़्यादा हैं, थोड़ा सा कम करो, वरना अगेन कैसे दोस्तों आएगा 5G। मतलब इंडिया में ना 5G को लेके यार बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क निकल के आता है, देखते हैं कब कहाँ कैसे कौन सी कंपनी सबसे पहले हमको 5G का मजा दे पाती है। जैसे यहाँ पे यार लास्ट दोस्तों कहानी है वो है वन प्लस के मिथ्रिल बर्ड्स प्रो को लेके, और यहाँ पे दोस्तों ये एकदम ऐसे चमकदार भैया बहुत ऐसा यू नो नया एक कलर जो है हमने लेके आते हैं, साथ में दोस्तों भी अपडेट भी आ रहा है जो ड्यूअल कनेक्शन का फीचर इनेबल कर देगा वन प्लस बर्ड्स प्रो में। काफ़ी वैसे इंटरेस्टिंग ये TWS हैं, क्या आपने यूज़ किए हैं क्या, मुझे नीचे कॉमेंट करते हुए ज़रूर बताना दोस्तों। बस फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर आपका कोई मतलब सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। उस फ्लाउड में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।